या तुम्हारी अम्मी मेरे घर। खुदाया, ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं नहीं, मेरी अम्मी ये सब सोच रही हैं, उनके अपने ख्याल आते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं क्या कहूंगी अपने घर वालों से कि मुझे जिससे सबने मिलने से मना किया उसकी अम्मी मेरे घर आ रही है रिश्ता लेके। इसमें ऐसा कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज है सिनान, बेसाख्तगी में बात कह देना और बात है। अब ये सब भी अपनी अम्मी को बताऊं मैं? बेसाख्तगी में क्या कहा था? कुछ नहीं, ये बहुत मुश्किल टास्क है सिनान। देखो मैं समझता हूँ और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, अगर मेरी अम्मी, उन्हें समझाना तुम्हारा काम है सिनान। मैंने समझाने की कोशिश की मगर वो कहती हैं कि तब तक तो मेरे बेटे के बालों में चांदी आ जाएगी। ये मुहावरा तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या लड़कों के बाल सफेद नहीं होते? तुम्हें क्या लगता है, बालों में सफेदी आ जाए तो क्या साथी को छोड़ दिया जाता है? अस्सलामुअलैकुम। अरे आप लोग इधर। यहाँ क्या कर रहे हैं खालिद? शॉपिंग करने आया था, आप लोगों पे नजर पड़ी तो मैंने सोचा हेलो कह दूं। हेलो। अब नजर उधर कर, यहाँ से निकल और कहीं और जाके शॉपिंग कर। क्यों, कहीं और से क्यों? आई गया हूँ तो हेल्प ले लेता हूँ मैं। अच्छा है ना, पता चल जाएगा कि इसको अपना धुला कैसा अच्छा लगता है। कोई जरूरत नहीं है, कहीं और से जाके शॉपिंग कर, बहुत बुरी बात है खालिद। मैं इन सबको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई। नहीं है, गरीब में ही है, जाने दो, जाने दो ना बस। तो अभी आ रहे हैं, तुम लोग अपनी शॉपिंग करो। हाँ आते हैं, आ जाओ। सभी आ रहे हैं आधे घंटे में।